हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले मैथ के क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अरुण व दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु बताइए। तो हम लोग अरुण को ए और दीपक को बी मान लेते, तो मतलब अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ओके, तो इनका वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर में जा रहा है, तो 6 वर्ष बाद अरुण की जो आयु हो जाएगी 26 हो जाएगी, मतलब ए की आयु 26 हो जाएगी। तो हम लोग 6 वर्ष पीछे चलते हैं तब वर्तमान में पहुंच जाते हैं, तो वर्तमान में अरुण की आयु क्या होगी, 26 - 6। ओके, तो 26 से 6 घटाए तो 20 हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है कि 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु बताइए, जब 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 3 मतलब 15 साल। तो दीपक की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 साल। अगला क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है 1600, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, तो ऐसा ही हमें बताना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। मान पुट करेंगे तो 1600 × 5 × 6/100, 0 से 0 दो कटे, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। 80 में 6 का मल्टीप्लाई किया आंसर हो जाएगा 480। अगला क्वेश्चन है, P व Q की वर्तमान आयु के बीच रेशियो है 7:6। यदि P जो है Q से 7 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है P और Q की जो आयु का रेशियो है 7:6 है, और मतलब कह रहा है क्वेश्चन में P Q से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब इनका बीच का डिफरेंस ही तो होगा, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो हमसे पूछा 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो हम लोग पहले वर्तमान आयु का वो निकाल लेते हैं, उनकी वर्तमान में आयु क्या होगी, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28, 6 की वैल्यू हो जाएगी 24, मतलब पी ओ क्यू की आयु क्या हो जाएगी, 28 और 24। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा, 28 में 4 जोड़ा, 24 में 4 जोड़ा, तो 32:28 मतलब 8:7। ओके, एक बार हम लोग वीडियो को रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अरुण व दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु बताइए। तो हम लोग अरुण को ए और दीपक को बी मान लेते, तो मतलब अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ओके, तो इनका वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर में जा रहा है, तो 6 वर्ष बाद अरुण की जो आयु हो जाएगी 26 हो जाएगी, मतलब ए की आयु 26 हो जाएगी। तो हम लोग 6 वर्ष पीछे चलते हैं तब वर्तमान में पहुंच जाते हैं, तो वर्तमान में अरुण की आयु क्या होगी, 26 - 6। ओके, तो 26 से 6 घटाए तो 20 हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है कि 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु बताइए, जब 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 3 मतलब 15 साल। तो दीपक की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 साल। अगला क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है 1600, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, तो ऐसा ही हमें बताना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। मान पुट करेंगे तो 1600 × 5 × 6/100, 0 से 0 दो कटे, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। 80 में 6 का मल्टीप्लाई किया आंसर हो जाएगा 480। अगला क्वेश्चन है, P व Q की वर्तमान आयु के बीच रेशियो है 7:6। यदि P जो है Q से 7 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है P और Q की जो आयु का रेशियो है 7:6 है, और मतलब कह रहा है क्वेश्चन में पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब इनका बीच का डिफरेंस ही तो होगा, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो हमसे पूछा 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो हम लोग पहले वर्तमान आयु का वो निकाल लेते हैं,
उनकी वर्तमान में आयु क्या होगी, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, 6 की वैल्यू हो जाएगी 24, मतलब पी ओ क्यू की आयु क्या हो जाएगी 28 और 24। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 4 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा, 28 में 4 जोड़ा 24 में 4 जोड़ा तो 32 रेशियो 28 मतलब 8:7। ओके तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।